हेलो एंड वेलकम यू ऑल गाइस। यहाँ पे आपको एक थंबनेल दिख रहा होगा, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर रिक्रूटमेंट 2022। क्या है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का? एक रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आया है, उसमें सारी चीज़ें आपको मेंशन कर दी गई हैं कि आपसे क्या चाहिए, यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होगा, एज क्राइटेरिया क्या रखी जाएगी, साथ ही साथ पोस्ट क्या है, इसका एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो गाइस हम आज देखेंगे इस रिक्रूटमेंट के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ आप यहाँ पर वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया करें, कमेंट भी किया करें। कमेंट से हमें पता चलता है कि आप लोगों को किस तरीके का अपडेट की रिक्वायरमेंट है, चाहे वो कैरियर अपडेट हो या फिर आपका जॉब अपडेट हो या प्रिपरेशन से रिलेटेड अपडेट हो या आपको प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की रिक्वायरमेंट है, इन सारी चीजों का हमें पता चलता है। तो आपकी जो भी क्वेरी हो आप कमेंट में डाल सकते हैं। तो ओके गाइस, बढ़ते हैं आज हम इस बार्क के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में, क्या है, किस तरीके का है, पीएसयू जॉब है, तो ध्यान रखिएगा यहां पर इलिजिबिलिटी और सारी चीजों के बारे में हम अभी आपसे बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ मूव करेंगे हम। यहां पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ जब मूव करेंगे तो आपको बार्क का सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें दिखेंगी आपको यहां पर, ठीक है, बार्क का जो आपको मिलेगा यहां पे, जस्ट वन मिनट। ओके, देखिए ये है आपका बार्क का ऑफिशियल नोटिफिकेशन। ठीक है गाइस, बार्क के ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये। अगर आप यहां पे देख पा रहे होंगे तो सारी चीजें मेंशन कर दी गई है। क्या लिखा है? ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द अपॉइंटमेंट टू द फॉलोइंग पोस्ट इन न्यूक्लियर रिसाइकल बोर्ड एनआरबी कल्पक्कम तारापुर एंड मुंबई। तीन सेंटर्स के लिए यहां पे रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। सबसे पहले आगे बढ़ेंगे स्टेनोग्राफर के, ग्रेड 3 स्टेनोग्राफर में यहां पे मेंशन कर दिया गया है, ग्रुप सी नॉन गैजेटेड पोस्ट में। क्वालिफिकेशन देखेंगे तो यहां पे आपसे 10th स्टैंडर्ड और 10th स्टैंडर्ड के साथ साथ 55% मार्क्स का मेंशन किया गया है। मिनिमम टाइपिंग स्पीड यहां पे 80 वर्ड्स होने चाहिए, साथ ही साथ इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इंग्लिश में भी 30 वर्ड्स का टाइपिंग होना चाहिए। क्लियर। अब देखिएगा एज लिमिट जो है यहां पे मेंशन कर दिया गया है कि मिनिमम जो है 18 होना चाहिए और मैक्सिमम जो है ये आपका 27 इयर्स होना चाहिए। अब इसमें रिलैक्सेशन किसको मिलेगा? तो ओबीसी एनसीएल वाले जितने भी हैं, नॉन क्रीमी लेयर के जो बंदे हैं उनको यहां पे छूट दी जाएगी, साथ ही साथ एससी एसटी क्राइटेरिया के जो लोग होंगे, पीएच वाले होंगे, ईडब्ल्यूएस के कुछ लोग होंगे, उनको यहां पे थोड़ी सी वेरिएशन दी जा सकती है। पे स्केल की बात करूं तो 25,500 सेल नंबर 1 यानी कि लेवल 4 ऑफ पे मैट्रिक्स। अगर आप यहां पे देखेंगे सेल 1 में पे मैट्रिक्स 4 आपको यहां प्रोवाइड किया जाएगा, साथ ही साथ जितने भी अलाउंसेस हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के वो भी आपको दिए जाएंगे। ठीक है, मोड ऑफ सिलेक्शन में हम आते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन में जब देखिएगा तो यहां पे 1 घंटे का आपसे ऑब्जेक्टिव टेस्ट लिया जाएगा जिसमें इंग्लिश, जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इन सारी चीजों से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ओके, मार्किंग स्कीम 3 मार्क्स जो है पॉजिटिव मार्क्स के लिए, 1 मार्क्स निगेटिव मार्क के लिए कट कर लिया जाएगा। उसके बाद फिर लेवल 2 की अगर हम बात करें तो प्री में तो आपका इलिजिबिलिटी टेस्ट हो गया, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो गया, एंड स्टेनोग्राफर पोस्ट है तो स्टेनो टेस्ट यहां पर लिया जाएगा। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वैकेंसी ड्राइवर की है ऑर्डिनरी ग्रेड में। यहां भी 10th स्टैंडर्ड को मेंशन किया गया है, 18 से लेकर के 27 साल तक का एज रखा गया है, 19,900 प्लस का अलाउंसेस मेंशन कर दिए गए हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन अगेन ऑब्जेक्टिव और स्किल टेस्ट में आपका ड्राइविंग टेस्ट क्लियर रहेगा। नेक्स्ट आता है वर्क असिस्टेंट। वर्क असिस्टेंट जब आप देखेंगे यहां पे तो नॉन गैजेटेड के लिए आप देखिएगा यहां 10th स्टैंडर्ड अगेन मांगा गया है, साथ ही साथ एज लिमिट 18 to 27, रिलैक्सेशन सेम क्राइटेरिया ओबीसी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए। अब यहां से पे स्केल की बात करें तो पे स्केल 18,000 सेल नंबर 1 लेवल 1 पे मैट्रिक्स, साथ ही साथ अलाउंसेस। इसका सिलेक्शन कैसा होगा? तो प्रीलिमिनरी टेस्ट होगा, प्रीलिमिनरी टेस्ट के साथ साथ मार्किंग स्कीम भी आपको बता दिया गया है। क्लियर। लेवल 2 में एडवांस टेस्ट होगा, यानी प्री और मेंस दो तरीके के टेस्ट लिए जाएंगे यहां पर, किसके लिए? वर्कमैन के लिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, फाइनल मेरिट लिस्ट उसी के आधार पर तैयार की जाएगी जब आप सीबीटी को क्लियर करेंगे। क्लियर है। अब देखिए यहां पर ध्यान रखेंगे अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन किस तरीके से दी जाएगी उसके बारे में आपको बताया गया है। नेक्स्ट आता है कि एडिशनल बेनिफिट्स क्या क्या हैं, तो देखिएगा नॉर्मल पे अलाउंसेस जो भी मिलेंगे, वर्किंग एनवायरनमेंट के बारे में बता दिया गया है, साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है पीएसयू जॉब।
आजकल हर किसी का वेट रहता है, हर किसी को ये वेट रहता है कि कोई बड़ी वैकेंसी आएगी तो मैं भरूंगा। अरे बड़ी वैकेंसी का क्या करोगे, अगर आपकी प्रिपरेशन है तो आप एक पोस्ट में भी बाजी मार के चले जाओगे। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पोस्ट भी अच्छा खासा है। एप्लीकेशन फी के बारे में बात करें तो एप्लीकेशन फी भी इतना ज्यादा नहीं है कि आप बियर ना कर पाओ। तो एप्लीकेशन फी अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो 100 रुपीज लग रहा है। 100 रुपीज तो एक टाइम का नाश्ते का चले जाता है आपका। एप्लीकेशन फी 100 लग रहा है। एक्सेम्पशन दिया गया है, इसमें भी एससी एसटी कैंडिडेट हो, अगर आप देखेंगे पीडब्ल्यूडी वुमेन अगर है, कोई फीमेल कैंडिडेट है, तो उनको यहाँ पे फी नहीं पे करना है। तो ये तो बात हो गई आपकी एग्जामिनेशन फी की। अब आते हैं जनरल कंडीशन। जनरल कंडीशन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको अप्लाई करना है www.https.recruitment.bark.gov.in पे। वहां पे जब आप कैरियर ऑप्शन में जाएंगे तो ये आपका रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आपको वहां पे मिल जाएगा, आप उसी के थ्रू आगे बढ़ सकते हैं। ओके, ये था इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग बार्क। जैसे ही आप आगे जाइएगा, यहाँ पे किस तरीके का सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड है, किस तरीके का एज प्रूफ चाहिए, किस तरीके का बर्थ प्लेस प्रूफ चाहिए, इन सारी चीजों के बारे में आपको यहाँ पे मेंशन किया गया है कि आपसे ये सारी चीजें आपको दिखानी होंगी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप मेडिकली फिट हैं तो मेडिकल सर्टिफिकेट्स आपको जाकर के जमा करना पड़ेगा। ओके, ये सारी चीजें आपके बार्क में मेंशन किया गया है, बार्क के नोटिफिकेशन में। ओके गाइस, तो ये थी आज के भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के रिक्रूटमेंट के बारे में एक नोटिफिकेशन। अगर आप क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हो, अगर आपको लगता है कि आप एज में हैं, आपका एज जो है अभी कवरअप हो सकता है, यानी कि 18 से 27 के एज में हैं, तो बेशक आप यहां पे भर सकते हैं, स्टेनो की टेस्ट दे सकते हैं। हिंदी में 80 वर्ड पर मिनट मांगा है, इंग्लिश में आपसे 30 वर्ड पर मिनट मांगा है। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसे ही एक नेक्स्ट अपडेट के साथ। बने रहिए, जुड़िए हमारे टेलीग्राम चैनल से। आपको जैसे ही यहाँ पे ये वीडियो अवेलेबल होगा, आपको सारे डिस्क्रिप्शन में चीजें मेंशन कर दी जाएंगी, किस तरीके का है, क्या क्राइटेरिया लगाया गया है। और हर एक अपडेट के लिए चैनल का बेल आइकॉन जरूर दबा करके रखिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके गाइस, बहुत ही जल्द मिलेंगे हम एक नए अपडेट के साथ। ऐसे ही बने रहिए, हमारे साथ बने रहिए, साथ ही साथ अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए, मुस्कुराते रहिए, और यही तो जिंदगी का नाम है मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम बहुत जल्द एक नए अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच।